गर्व नहीं रहता था। नीति राजस्थान से दो बच्चे प्रूफ के साथ ही लेके आए, बोले बाबा जी दोनों बच्चे हाँ चलो इधर आओ। हाँ इधर आओ बाबू, आप तो आए थे ना मेरे पास, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ माता जी आ जाओ। चलो सूती सुनाओ। नंदिनी नंदिता वेदिन विश्व विनोदी निरोधनुते परिवरा बिंदेशिरोति वासिने विश्व विलासिने विष्णुरुते भगवती ये दिगंडगु उम्मीने पुरुत उम्मीन ते गिरिवरा बिंदेशिरोति ने वासिने विष्णु विलासिने विष्णुरुते भगवती है चिति कंठा कुटुम्बिनि बुरितुटुम्बिनि ते किलिवरा बिंदी रोदिनि वासिने विष्णु विलासिने जय जय हे महिषासुरमर्दिनी त्रम्य कपर्दिनी शैलेशुते। चलो जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है आपका, नाम बोलो। अरे अनिका, ये अनिका ऐसे बच्चे तो भैया बोलता थोड़ा सा गलत गाती है, तो आप सही सुनाओ। चलो इधर आओ, इधर आ जाओ, आपको ये गिफ्ट दे रहे, इसको गुड़ वाला च्यवनप्राश दो। हाँ वही पसंद है, ये आपका गिफ्ट हो गया, ये गिफ्ट लो मम्मा को दे दो। इधर आओ, आप क्या सुनाओगे। ये बच्ची एकदम सुगंधम पुष्टि वर्धनम गुरुवार में अबंधना नृत्य और मुख्य मामृता। चल अच्छे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अब माता पिता संस्कार डाल रहे हैं, योग के, यज्ञ के, मंत्र के। श्रीमद् भगवद गीता हमारे यहाँ तो 5 साल के 7 साल के बच्चे को 5-7 शास्त्र स्मरण करा देते हैं। हम कल मुझे कुछ मिले बच्चे, बोले स्वामी जी अब हम पूरा जुड़ना चाहते हैं, मतलब बोले हम अपने बच्चों को आपके गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा उसको आचार्य कुलम में पढ़ाना चाहते हैं, बेटी को भी विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, और रिटायर होकर के आपके पास यहीं आना चाहते हैं। फिर मैंने कहा ये ठीक है, एक तो सेना में है बालक, अपने माता पिता को लेके आया। बोले बाबा जी मैंने संकल्प कर लिया है, अब मेरा पूरा परिवार पतंजलि में जो होता है 100% वैसा ही करेगा। मैंने कहा ये जोरदार काम है। दो माताएं, एक मध्य प्रदेश से एक नोएडा से, तो दोनों माताएं धरा हो। बोली जी हम तो यहाँ अपना जीवन देने के लिए आए हैं, अब घर परिवार के दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं, अब शेष है समय, आपने बोला था 20-25 साल जो सेवा कर सकते हैं आ जाओ। बहुत पढ़ी लिखी हैं दोनों ही माताएं हैं। हाँ। अब पूरा जीवन बोला हमको इसी के लिए देना है, और कोई जीवन का ध्येय नहीं। मन कहिए ठीक है, महर्षि दयानंद से प्रेरित है, बचपन से योग यज्ञ करते थे, लेकिन हमको दिखता नहीं था करें क्या। अब आपको देख करके हमें आशा जगी है कि जब एक वेद के मार्ग पर चलने वाला, ऋषि दयानंद के पथ पर चलने वाला हमारा गुरुकुल का ब्रह्मचारी जब इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, जिसे अपना बचपन, अपना जीवन, अपनी जवानी लगा दी, तो हम तो अब अपना शेष समय इस सेवा में लगाना चाहते। मैंने कहा लगाओ मैया, ए कपाल भाते अनुलोम विलोम करो, कुछ तो खाली बैठ ही गए, लंबा अभ्यास करना है। 10 साल से नाखूनों में एलर्जी थी, ठीक कर लिए। नीति जी राजस्थान से, मैंने कहा बच्चे नहीं ठहरते थे, बच्चे न ठहरने वाली किधर है, बच्चे नहीं ठहरते थे, उसके बच्चे ठहर गए कितने। बोलो जी बाबा जी हम तो बस यहां आए और शिवलिंगी पुत्र जीवक देते थे, उस समय विश्वास से ले लिया और योग करते रहे, अपने आप ठीक हो गया। दूसरी इसके बगल में रो रही थी, बोले बाबा जी फिलिपिन ट्यूब बंद है, कोई बोले जी ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो। सुमन शिमला से, फेशियल पैरालाइसिस हुआ था, ठीक कर लिया। एक तो अभी ताजा पैरालाइसिस हो, अपने बापू को यहीं ले आया। मैंने कहा बेटा बस अब दिन भर अनुलोम विलोम कराओ, यहीं ठीक करके ले जाओ। जितेंद्र कुमार
तीन साल से प्रोस्टेट की समस्या थी, पूरा ठीक कर लिया। आंखों के पर्दे में स्वेलिंग आ गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो गई आंख। सोमा शर्मा मनाली से ठीक हो गई। रवि आहूजा मुंबई से, फरवरी 2022 में हार्ट अटैक आया था, 100% ब्लॉकेज थे, ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन योग प्राणायाम करके कार्डियोग्रिट और हृदयामृत लेकर के अब ब्लॉकेज खुल गए, थोड़े बहुत बाकी रहे और खुल जाएंगे। सब कुछ शुगर भी थी, बाकी बीपियाँ थे, नॉर्मल हो गया। सपना आहूजा एक तो आर्मी में था भाई, उसका इजेक्शन फैक्शन 25 आ गया था, 50 आ गया। आर्मी वाला बच्चा कहाँ है? कई हैं परेशान, आर्मी वाला बालक इधर आओ दौड़ के हाँ, अब तो अच्छा हो गया। नहीं तो बोले इसको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा पेसमेकर नहीं लगेगा, ये दौड़ के आ रहा है, लो जोरदार ताली बजाओ। नहीं तो बोले पेसमेकर नहीं लगाएगा तो मर जाएगा। अब ये कुछ लोग ऐसे पूछते मेरे से, सच में ना हमारा इजेक्शन फैक्शन बढ़ जाएगा? बैठो बैठो, कितना था EF? इजेक्शन फैक्शन बोलते हैं 25 था। डॉक्टर बोलते हैं तुरंत पेसमेकर लगाओ, 5 लाख रुपए उनको मिल जाते हैं, फिर जिंदगी भर तुम अपंग बन जाते हो, हमेशा यहाँ धरा सा दिखता है और इतना, फिर आदमी मतलब नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकता। अब कितना हो गया? 50। लो 50 कर लिया। 25 से 50 कर लिया। क्या नाम है? गजानंद सिंह तंवर। हैं? गजानंद सिंह तंवर। गजानंद कहाँ से हो भाई? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? बानसूर। बानसूर से तुम्हारा पड़ोसी यार। हाँ। बैरोड़ बैरोड़ ऑफिस से। गजानंद 25 था, अब 50 आ गया EF। लो इजेक्शन फैक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत ब्लॉकेज बताया था मैंने, कब 2 महीना खाली बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स बस यही खा। ब्लॉकेज भी 10% कम हुआ है। हाँ वो भी कम हो गया और कम, पूरा खत्म। 10% ब्लॉकेज कम हुआ है 2 महीने में, पूरा ब्लॉकेज खत्म। 20-20-30-30 साल से मैं लोगों को ये काम कर रहा हूँ, कोई आज नया काम नहीं है मेरा। पहले लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, अब कम से कम 99% लोग जो बीमार है वो तो मुझ पर विश्वास करने लग गए। बाकी बकवास करने वाले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मैं तो लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। चलो गजानन प्रसन्न रहो, ये मैं इसलिए बुलाया, काफी यहाँ पर हैं और कुछ टीवी पर देख रहे हैं, ये इजेक्शन फैक्शन ठीक होता है? अरे भाई ठीक होता है तो ही तो कह रहा हूँ, रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट है मेरे पास रिपोर्ट है। और ये तो आर्मी में कहाँ काम करते थे? आर्मी में। अभी भी है कि नहीं? अभी रिटायरमेंट ले लिया। अब रिटायरमेंट लिया, अब योग करा। घर में नहीं बैठना, थाली नहीं बैठना। जाओ खुश रहो, अपने परिवार के साथ आया हुआ है।